जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। भक्तों, आज हम आप लोगों को बागेश्वर धाम का लाइव वीडियो लेके आए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम के महाराज अभी अभी दर्शन देते हुए अब वे जनता के बीच से निकलने वाले हैं। वो जनता के बीच से निकलते हुए सभी भक्तों को दर्शन देते हुए और अपने दिव्य दरबार में, जहाँ पर दरबार लगता है, वहाँ पर दरबार लगाएंगे और सभी भक्तों के पर्चा बनाएंगे। जिसका नंबर लगेगा उसी का पर्चा बनेगा। गुरुजी खुद भीड़ में से बुलाकर पर्चा बनाते हैं। आप लोग बने रहें वीडियो में एंड तक और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें कि बागेश्वर धाम में किस तरह से आप लोग देखें कि बागेश्वर धाम में अत्यंत भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पर भगदड़ जैसे माहौल हो जाते हैं जब महाराज जी निकलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, अभी अभी थोड़ी देर में देखो महाराज जी आ रहे हैं। जो आप ये बीच में हो, इस तरफ उस तरफ लोग देखते हैं, इसी के बीचों बीच महाराज की गाड़ी आ रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम देखो वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अति से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। देखो महाराज जी के आप लोगों को लाइव दर्शन कराते हुए आपको उनके दिव्य दरबार भी दिखाते हैं कि वहाँ पर दिव्य दरबार लगेंगे। देखो अब लोगों का भगदड़ सा होने लगा है, क्योंकि महाराज जी नज़दीक में आ चुके हैं और सभी लोग उनसे प्रणाम करते हुए कोई मोबाइल लिए, देखो ये आ गई है महाराज जी की गाड़ी। महाराज जी आज अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों की भीड़ होने के कारण महाराज जी को आज अंदर बिठा दिया गया है, क्योंकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो सके। क्योंकि इतनी ज़्यादा जनता आती है बागेश्वर धाम में कि उसको संभालना इम्पॉसिबल है। वहाँ पर बागेश्वर धाम में अभी के समय कोई सिक्योरिटी, कोई सरकारी नहीं है, इसलिए महाराज जी को अंधा बिठा के ले आया गया है दिव्य दरबार में। अब देखो महाराज जी अपने दरबार में पहुँच चुके हैं। अब देखो वे मंच पर चढ़कर सभी भक्तों को दर्शन देंगे और सभी भक्तों के पर्चा बनाएंगे। बोलो जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें और बोलिए सनातन धर्म की जय और हिंदू धर्म की जय। बोलो जय सियाराम, जय बागेश्वर। आगे का कार्यक्रम लाइव देखें। आज तक का इतिहास है, कोई खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओ। सबकी झोली भरी, तुम्हारी भी झोली भरेंगे। जाओ, सबकी अलाए बलाए बाबा ने हटाई, तुम्हारी भी हटाएंगे। लेकिन नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो तीसरा नियम है ओम बागेश्वराय। इस मंत्र का जाप, बालाजी के चित्र का, चरित्र का पूजन, और महीने में, दो महीने में, तीन महीने में भी एक बार तुम पेशी प्रारंभ कर दो। 21 पेशी का नियम है। जाओ, कौन सुसंकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं है। ऐसा कोई संकट नहीं जो हनुमान जी दूर। इसलिए मेरे पागलों, आज के दरबार के क्रम में यही बात हम तुमसे कहेंगे। पर्चा तो हमें देना ही है, क्योंकि तुम्हें भी मानना नहीं है, तो पर्चा तो हमें देना ही है। लेकिन एक बात और है, हम एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब तो अच्छी व्यवस्था हो गई,
पहले टोकन नंबर होते थे तो सिलेक्टेड लोग मिल पाते, अब अनलिमिटेड। तब तो हनुमान जी का एक ही बेर में नंबर आ गया, दूसरी बार, तीसरी बार जब हम रहते हैं दरबार। अब एक और है, जब भी हम बागेश्वर धाम पर रहेंगे 2 बजे के बाद, 1 बजे 2 बजे के बाद प्रतिदिन दरबार लगाएंगे, मंगल शनिवार छोड़कर, क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत हो जाती है, तो मंगल शनिवार छोड़कर हम रोज दरबार लगाएंगे। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, डले रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जा। जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, सूचना भी हमारे नाम से, किसी को भी दान ना दें, बड़े आदमी हो हमें दे सकत, हम सब पचा ले, चाहे ले आओ यार, तुम बड़े आदमी हो, अपनो मकान इतने अधिकारी हैं, बच्चा अध हो गया, कुछ लोग अर्जी लगा रहे महाराज बच्चा हो जाए, तो देखो अलाउंस तो सुनो, अलाउंस कह रहा है किसी भी माताजी का बच्चा खो गया हो ले जाए, क्या अद्भुत दरबार, कुछ लोग आते हैं महाराज बच्चा हो जाए, अलाउंस बोल रहा है बच्चा ले जाओ, बाहरे भारत बाहरी दरबार, एक आदमी मंदिर गया, चप्पल चोरी हो गई, चप्पल चोरी हुई मंदिर चढ़ गया, लोगों ने कहा क्या हुआ, अरे बोले भगवान से शिकायत करनी है, बताओ जब ये हमारी चप्पल नहीं रखा सकते हमारी क्या सुरक्षा करेगी, अरे चप्पल की सुरक्षा नहीं भाई, मंदिर के सामने से चली गई, अभी अभी ली थी 450 की, बहुत प्यारी ऊंची काली काली, मंदिर गए भगवान के सामने हाथ जोड़े हो कुछ बोलने ही वाले थे, लौटे आए, लोगों ने कहा क्या हुआ, अरे बोले हम तो गए तो थे लड़ने पर, हमने उनके चरण देखे उनकी भी कोई ले गया, ऐसे ऐसे लोग हैं पृथ्वी पर, हद हो गई, ऐसे ऐसे लोग बताओ क्या अद्भुत लोग हैं इस पृथ्वी पर, बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, साधु जी।